रॉयल इनफील्ड में क्लासिक 350 के 6 कलर बंद होने के बाद अभी आप सभी के सामने जो मैं कलर दिखा रहा हूँ ये कलर मौजूद है और इस कलर की सबसे ज्यादा अभी डिमांड बढ़ रही है क्योंकि ये कलर काफी बेहतरीन और शाइनिंग ब्लैक के साथ देखने को मिल जाती है। इस बाइक का नाम क्या है, इस बाइक में ऐसा क्या फीचर मौजूद है और साथ में सबसे बड़ी बात इस बाइक की प्राइस सबसे कम है क्योंकि ये एक मिड वेरिएंट में आ जाती है और ये क्लासिक की सबसे सस्ती बाइक भी देखने को मिल जाती है जो मिड वेरिएंट में आ जाती है। आज मैं इसका फुल रिव्यू करूंगा जिसमें प्राइस, फीचर, माइलेज और कितने एसेसरीज पार्ट लगे हैं, विद एसेसरीज के साथ प्राइस कितनी है, विदाउट एसेसरीज के साथ कितना प्राइस बनेगा, ये सभी चीजें आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो देर ना करते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो भाई, जब से क्लासिक 350 में 6 कलर बंद हुआ है तब से कोई भी बाइक लोगों को पसंद नहीं आ रहा है क्योंकि टॉप वेरिएंट का बेस वेरिएंट, मिड वेरिएंट इन सभी को मिला के 6 कलर बंद हो चुके हैं। तो आप सभी के सामने मैं वो कलर लेकर आया हूँ जो सबसे ज्यादा अभी डिमांड में है। ये कलर कितनी खतरनाक लुक में भी देखने को मिल जाती है। इस बाइक का आज मैं फुल रिव्यू आपको मैं करके दिखा देता हूँ। क्लासिक की केवल यही ऐसी बाइक है जिसे आप लेंगे तो कभी भी पछताना नहीं पड़ेगा। सबसे पहले हम यहाँ पे इंजन से बात करेंगे। इंजन आपको 350 सीसी के देखने को मिल जाएगा। बोर 72 mm, स्ट्रोक 85.8 mm, कंप्रेसर रेशियो 9.5 मिल जाएगा। मैक्सिमम जो टॉर्क है जिसकी पिकअप काफी तेज होती है वो आपको 4000 rpm 27 nm देखने को मिल जाती है और मैक्सिमम जो पावर है 20.2 bhp 6100 rpm के साथ मिल जाती है। गियर बॉक्स की बात करें 5 गियर इसमें देखने को मिल जाती है। इंजन स्टार्ट की बात करें इलेक्ट्रिक दे दिया गया है। आपका जो किक था वो अब 2024 के बाद से हटा दिया गया है। आइए इसके चेसिस और सस्पेंशन को क्लियर करते हैं। जो फ्रंट सस्पेंशन है वो टेलीस्कोपी 41 mm फोक्स 130 mm ट्रॉल मिल जाएगा। रियर सस्पेंशन ट्विन ट्यूब इमल्शन के साथ शॉक एब्जॉर्ब विद 6 स्टेप एडजस्टेबल प्रीलोड मिल जाता है। 6 स्टेप तक आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। आइए ब्रेक्स एंड टायर को कवर करते हैं। फ्रंट टायर 190/19 का अलॉय व्हील के साथ नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पे स्पोक टीली वाली मिल जाती है। रियर टायर की बात करें 120/80/18 का टीली के साथ टायर मिल जाती है। फ्रंट ब्रेक की बात करें 300 mm का डिस्क ब्रेक ट्विन पिस्टन फ्लोटिंग कैलिपर के साथ मिल जाएगी। रियर ब्रेक की बात करें 270 mm का डिस्क सिंगल पिस्टन फ्लोटिंग कैलिपर के साथ मिल जाती है। यदि आप बेस वेरिएंट लेंगे तो आपको ड्रम मिलेगा, लेकिन ये मिड वेरिएंट है आपको यहाँ पे डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाती है। और ABS की बात करें आपको डुअल चैनल के साथ मिल जाती है। आइए इलेक्ट्रिक पार्ट की बात कर लेते हैं। बैटरी आपको 12 वोल्ट मिल जाएगा। हेडलैम्प की बात करें 12 वोल्ट का मिल जाएगा। यहाँ पे LED नहीं मिलेगा, आपको हैलोजन लाइट देखने को मिल जाती है। आइए इस बाइक के डायमेंशन को क्लियर करते हैं। व्हील बेस की बात करें 1390 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm, लेंथ 2145 mm विथ 785 mm विदाउट मिरर के साथ, हाइट 1090 mm विदाउट मिरर के साथ। सीट हाइट की बात करें 805 mm। इस बाइक का टोटल जो वजन है वो 195 kg देखने को मिल जाएगा। इस बाइक के फ्यूल टैंक की बात करें 13 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है। आइए मीटर को कवर करते हैं। यहाँ आपको एनालॉग और डिजिटल दोनों मीटर का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जो मीटर का लुक है काफी खतरनाक देखने को मिल जाता है, काफी भारी भरकम देखने को मिलेगा। इस मीटर को कंट्रोल करने के लिए आपको साइड में आई बटन मिल जाता है। इस आई बटन के माध्यम से आप पूरे मीटर को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें ट्रिप 1, ट्रिप 2, ऑडियो पर किलोमीटर, टाइम सेट करने के लिए इन सभी को आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। साइड में आपको यहाँ पे नेविगेशन बटन देखने को मिलेगा, आप चाहे तो यहाँ पे लगवा सकते हैं। नेविगेशन बटन का जो प्राइस है वो 5000 रुपए रखा गया है, आप एसेसरीज पार्ट में अलग से लगवा सकते हैं, ये आपको उसी प्राइस में इनबिल्ड नहीं मिलता है। आइए बटन पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं। आपको पता होगा इस बाइक में किक देना बंद कर दिया है, तो यहाँ आपको सेल्फ स्टार्ट बटन देखने को मिल जाता है। नीचे आपको 1000 बटन देखने को मिलेगा। इस 1000 बटन से आप चारों इंडिकेटर जला सकते हैं। आइए मैं आपको जला के दिखा देता हूँ। ये देखिए आपको बैक में दिख रहा है, अब यहाँ पे आप देखिए फ्रंट में इस तरह से जला हुआ दिख रहा है। चारों इंडिकेटर आप इसे जलाकर देख सकते हैं। लेफ्ट हैंड की बात करें यहाँ सबसे पहले आपको पास लाइट देखने को मिलेगा। नीचे आपको यहाँ पे इंडिकेटर लेफ्ट एंड राइट सभी बाइकों की तरह इसमें भी मिल जाएंगे। देन नीचे आपको हॉर्न का बटन भी देखने को मिल जाता है। एक इम्पोर्टेंट फीचर जो सभी बाइकों में है लेकिन मैं बहुत कम बताता हूँ, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ। कभी कभी आप बाइक चलाते हैं तो साइड स्टैंड लगाकर भूल जाते हैं, उस दौरान यदि इस
बाइक में यदि आप साइड स्टैंड लगाकर भूल जाएंगे आपकी बाइक स्टार्ट ही नहीं होगी। ये फीचर सभी रॉयल एनफील्ड के बाइकों में इनबिल्ड आ जाता है, आप इसे अच्छे से यूज कर सकते हैं। आइए इस बाइक के फाइनली माइलेज और प्राइस को भी बता देते हैं। ये बाइक कितने बजट में आपको मिल जाएगी और ये कितने का माइलेज दे देती है। अगर कंपनी की बात करें तो वो क्लेम करती है 35 से 40 किलोमीटर। इस बाइक के अगर ऑन रोड प्राइस की बात करें 2,55,000 में आपको ये बाइक मिल जाएगी विद एसेसरीज के साथ। यहाँ पे अभी जो मैंने आपको ये बाइक दिखाया इसमें टोटल एसेसरीज लग के तब जाके मैंने आपको दिखाया, मतलब अगर आप इस बाइक को निकालना चाहेंगे जिस कंडीशन में मैंने ये वीडियो बनाया उसी कंडीशन में आप इसे निकाल सकते हैं, मतलब जिसमें इंजन गार्ड, सम्प गार्ड, बैक रेस्ट, सीट कवर और बाइक कवर, ये सभी एसेसरीज इनबिल्ड करके आपको ये बाइक मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं एसेसरीज नहीं लेना, आपके 15,200 रुपए तक कम हो जाएंगे, आप विदाउट एसेसरीज भी इस बाइक को परचेस कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस तरह से और भी कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।